नमस्कार दोस्तों, हिट फिट हेल्थ के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2023 और आज के दिन कल्पना चावला की डेथ एनिवर्सरी। तो पहले मैं उनको नमन करती हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान हमेशा शांति दे, और उनके चाहने वाले जो उन्होंने भारत की बेटी ने परचम लहराया था अंतरिक्ष में, उनको याद करने के लिए आज एक दुख भी है और एक ना प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि उनकी वजह से हमारी लेडीज को जितना की वुमेन एम्पावरमेंट का एक वो शोर सीख देते। करनाल से थे वो और हरियाणा की थी, और मैं खुद हरियाणा की, तो मैं उन्हें पर्सनली काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो कल्पना चावला प्लेनेटोरियम है करनाल में, बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ का भी जो एक्सपीरियंस मैंने गेन करा था। उसके अलावा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है, और हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी द्रौपदी मुर्मू एक फीमेल है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज हम लोग करते ही हैं, ये बात बिल्कुल निराधार हो चुकी है कि लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं है, इवन उनसे ज़्यादा वो मेहनत भी करती है और उसकी हकदार है ऑनर करने के लिए। तो हमें हम किसी को भी कभी कम नहीं समझना चाहिए, और इकोनॉमिकल भी हम डेवलप हो रहे हैं बाकी कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें। श्रीलंका पाकिस्तान की हालत आप सबको अच्छे से पता ही है कि कैसे रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहे हैं उस सब में, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का और हम सब की हार्ड वर्क का नतीजा है कि हम लोग आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो मैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूंगी। वेदर चेंज हो रहा है गुजरात में, तो मौसम अच्छा हो चुका है कि आप सिर्फ एक लेयर में आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोपहर का समय हम अपने बच्चे के साथ पार्क में आए थे, तो मुझे लगा कि काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाते, बिजी रहती, तो कुछ ना कुछ आपको अपडेट करा जाए। तो याद रखिएगा कि 1 फरवरी को कल्पना चावला की डेथ एनिवर्सरी होती है और मार्च में उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय नागरिक होने के लिए। तो मिलते हैं इस ब्लॉग में। ये दोनों पापा बेटा एंजॉय कर रहे हैं आफ्टरनून में, और काफ़ी और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। धूप लगानी ज़रूरी, और अब तो वेदर बड़ा अच्छा हो चुका है, ठंड काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और गुजरात की एक अलग स्पेशलिटी, यहाँ पे वैसे ही ठंड कम पड़ती है और ग्रीनरी हर जगह है, और बच्चे को ना आपको इन्वायरमेंट से कनेक्ट रखना चाहिए। तो हम हमेशा उसको ना दोनों मिलके हमेशा उसको टाइम देते हैं कि भाई उसका खेलना बहुत ज़रूरी है, बचपन कभी वापस नहीं आएगा। यू फ्लाइंग डिस्क है, हाँ तोड़ दिया आपने। युग ने अपनी साइकिल कैसे पटक रखा है।
देखो युग अपनी फुल पैकिंग के साथ निकल गया है। और ये फ्लाइंग डिस्क टूट चुका है क्योंकि ये हैवी था, मोटा था, और इतनी हाइट पे उड़ाते हैं। अगली बार अगर आप कहीं लेते हो ना लाइट वेट का लेना चाहिए। थोड़ा हैवी था, मेरे को लग भी रहा था, लेकिन ये मेरे को लगा कि चलो ठीक हैवी है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा चलेगा, ड्यूरेबल ज़्यादा होगा, पर लेकिन ये ब्रेक हो गया बीच में से पूरा।